अब चुरमिरी की कर लेते हैं। चुरमिरी में नगर निगम की उदासीनता की वजह से राज्य सरकार से मिली बसें खड़े खड़े कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। करीब 7 साल पहले शहर के लोगों की सुविधा के लिए परिवहन के साथ सुविधा दिलाने के लिए चुरमिरी नगर निगम को 7 सिटी बस मिली थी, लेकिन कोरोना काल के बाद ये सिटी बसेस चल ही नहीं रही है। भाजपा ने पिछले दिनों सिटी बस शुरू करने के लिए प्रदर्शन भी किया था, तब 2 बसों का संचालन शुरू हुआ, लेकिन अब 5 बस खड़ी कर दी गई है। विपक्ष के नेता निगम अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कलेक्टर का कहना है कि नगर निगम आयुक्त को जल्द से जल्द बस शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए क्या है, पहले सिटी बस चलता था तो यहाँ से यात्रियों को एक तो समय समय पे बस मिल जाता था और उसमें किराया कम लगता था। अब प्राइवेट बसों में जाना पड़ता है तो उसका मनचाहा बस किराया भी वसूलते हैं, उससे भी हमको आर्थिक नुकसान होता है। दल बल के साथ आवेदन भी दिए, धरना प्रदर्शन भी किए, उस पर भी आश्वासन दिए थे। जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधिगण, इनके ढुलमुल रवैया के कारण आज भी सिटी बस का संचालन नहीं हो पाया है। मात्र केवल 2 बस का संचालन करके अपना झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी चिरमिरी में जो 5 बस खड़ी है उसके संचालन के संबंध में नगर निगम कमिश्नर से जानकारी लिया गया है। जो प्रस्ताव संचालन के लिए प्रेषित किया गया है उस संपूर्ण जानकारी के साथ समय सीमा बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।